नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहीमा। साहिबगंज से आलोक कुमार की बड़ी रिपोर्ट। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान से 7 जवानों को लेकर जा रहे 407 वाहन का आज गुरुवार की सुबह रामगढ़ मुख्य मार्ग पर महिंद्रा पिकअप वैन से आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में साहिबगंज के एक दरोगा समेत 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। उपयुक्त घटना बोकारो रामगढ़ हाईवे पर कसमार थाना इलाके के दातू में हुई है, जिसमें साहिबगंज के 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों में दरोगा अनिल दुबे के अलावा सिपाही संजय कुमार, अजय कुमार, राजा कुमार, मंटू पासवान, मनोज कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार और करण देव रजक हैं। घायल पुलिसकर्मी साहिबगंज से रांची के होटवार में खाली गोली का खोखा जमा करने 407 से जा रहे थे। हाईवे पर गुरुवार की सुबह एक पिकअप वैन से पुलिस वाहन टकरा गई। हादसे में पिकअप वैन का चालक दिलीप कुमार भी बुरी तरह से घायल हो गया है। सभी घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इलाज कराने के लिए आए हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? देखिए, सभी साहिबगंज जिला बल के जवान हैं। एक अफसर एसआई अनिल द्विवेदी और उनके साथ अभी तक 6 पुलिसकर्मी बीजीएच में इलाज कराने आए हैं। सभी चोटिल हैं और यह खोखा साहिबगंज से लेकर रांची जाने के क्रम में चक्रवार के पास में दुर्घटना हुई है। एक पिकअप और सरकारी वाहन में टक्कर होने के कारण सभी लोग घायल हुए। मैंने बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी के गाड़ी चला रहे थे वो उसको आँख नींद आ गया था। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे जवान सभी सुचारू रूप से काम करते हैं और बिल्कुल कुशल चालक है। तकनीकी कारण हो सकती है और हो सकता है कि दूसरे गाड़ी के द्वारा भी धक्का मारा गया होगा। जो आज पब्लिक का प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर है उसका भी इलाज हम ही लोग लाके और उसको एडमिट करा के मैं खुद उसका इलाज करवा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग मानवता के नाम पे हम लोग काम करते हैं और हमको इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि किसको क्या हुआ, कितने लोग किसी भी कारण से दुर्घटना घट सकती। कितने लोग गंभीर हैं? सभी को गंभीर मानिए, चूंकि सभी चोटिल हैं। सभी का किसी का सर फटा है, किसी का पैर में चोट है, किसी का कमर में चोट है, किसी के सीना में चोट है। तो सभी गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल अभी सभी लोग खतरे से बाहर दिख रहा है। जैसे जैसे इलाज होगा अपडेट आपके सामने आएगा। आप इलाज कराने थाना का क्या रोल रहा, थाना क्या कर रहा है, थाना आया इलाज कराने पुलिसकर्मी? देखिए, झारखंड पुलिस मेन एसोसिएशन के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि जहां भी उनके साथ कोई कष्ट हो, दुर्घटना हो, उनकी कोई तरह की परेशानी हो, मैं जाता ही हूं। और सभी पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए हैं। एसपी साहब भी संज्ञान लेते हुए बहुत जल्द उसका काम किए, वहाँ सुरक्षा भिजवाए, चूँकि वहाँ आर्म कम्युनिकेशन का खोखा था। और आईजी मैडम भी बताई है कि कोई आवश्यकता हो तो बताइए। इन सभी लोगों अफसरों का, एसपी साहब का, आईजी साहब का, डीजी साहब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जवान सकुशल हैं, यह आप सभी के आशीर्वाद से संभव हो पाया। धन्यवाद। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.